हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम टाइप सेवन पढ़ेंगे तो उसका जो नाम है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आज्ञार्थी वाक्य। तो इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं, तो हम आपको यहाँ पे रूल्स बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्या बता रहा है आपको, राइट लेफ्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब हम जो सेंटेंस लिखेंगे उसके स्टार्टिंग में हमें लेट लिखना है, ये वर्ड लिखना है। सेकंड क्या बता रहा है आपको, राइट बी कंसीडरिंग इट फॉर्म ऑफ टू बी। तो हमने आपको पढ़ाया था टू बी के वर्ब फॉर्म, तो टू बी के जो फॉर्म है उसमें ओनली बी ही लिखना है, ना कि इज एम आर, इसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो हमेशा से चालू है, थर्ड फॉर्म चेंज हो इसको तो थर्ड फॉर्म होता ही है। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, शट यूवर माउथ। तो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है ना वो वर्ब से होती है। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होगी तो वो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, याद रखिए। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है कि इंपरेटिव मतलब क्या, तो इंपरेटिव मतलब जिस सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है ना वो वर्ब से होती है, इसलिए हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, उसको वर्ब बोलते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, लेट लिख दे हमने, लेट। लास्ट में क्या है, यूअर माउथ। तो ये लिखने के बाद सेकेंड रूल बता रहा है बी लिखो, तो बी लिख दे। राइट थर्ड फॉर्म लिखो, थर्ड फॉर्म क्या है शर्ट का, मालूम है आपको शर्ट। तो आंसर क्या होगा, लेट Your mouth be shut। अभी नेक्स्ट देखिए, गिव द ऑर्डर। तो लास्ट में क्या है, द ऑर्डर है। स्टार्टिंग का स्टार्टिंग क्या लिखना है हमें, लेट, बाद में लास्ट का लेना है, लेट द ऑर्डर। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल लिखना है बी, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल थर्ड फॉर्म। तो आपको मालूम है गिव का थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वॉश योर हेयर। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, लेट, बाद में क्या लिखेंगे, योर हेयर, टू बी का फॉर्म बी, और वॉश का थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश योर, लेट योर हेयर बी वॉश योर। अभी देखिए ये जो एग्जांपल है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है बढ़ जाएगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट।